हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉक्स में आपका स्वागत है। आज आपके साथ बात करेंगे फ्रेंड्स, आपके साथ डिटेल डिस्कस करेंगे गर्मी का एक परमानेंट फ्लावर प्लांट डबल चांदनी के बारे में। बहुत ही खुशबूदार ये प्लांट बिना केयर में चलने वाले, कभी कभी आपका शिकायत आते हैं फ्रेंड्स कि इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। इस प्लांट में बर्ड्स यानी कलियां बनाने में बहुत टाइम लगाते हैं, पर आज का वीडियो में आपको डिटेल्स दिखाऊंगी फ्रेंड्स कि मेरे प्लांट में किस तरीके से बर्ड्स आ रहे हैं। उससे पहले फ्रेंड्स देखिए, आपको दिखा रही हूँ गार्डन में जो बर्ड्स आते हैं, देखिए फूल तोड़ के चले गए। और यहाँ पे देखिए बैठे हैं पिजन, इसी गार्डन में रहते हैं, देखिए यहाँ पे बैठे हैं, आप देख पा रहे फ्रेंड्स। तो देखिए ये सारा फूल पूरा दिन तोड़ते रहते हैं, और एक छोटा सा टहनिया भी तोड़ लिया क्रिसेंथेमम का, मैंने आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसी क्रिसेंथेमम जो अभी फूल खिल रहे हैं, तो यहाँ से एक छोटा सा टहनिया भी तोड़ दिया। देखिए इसमें भी बहुत सुंदर कलर का फूल आते हैं फ्रेंड्स, येलो कलर, और बीच में आता है इसका रेड। तो आप पहले इसको लगा देती हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो भूल जाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो सूख जाएगा। और अभी इसमें लगा दूँ तो टहनिया, मेरा ये टहनिया एक नया प्लांट बना देगा। तो अभी का जो मौसम है फ्रेंड्स, आप इजीली क्रिसेंथेमम का कटिंग लगा सकते हो, तो मैं 2-3 दिन के अंदर लगाऊंगी, तो आपके साथ मैं ये वाला वीडियो शेयर करूंगी। ऐसे सिंपल तरीके से मेरा ये जो टहनिया है, ब्रांच है, ये लग जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आप बात कर लेते डबल चांदनी के बारे में। फ्रेंड्स, मेरे पास जो ये डबल चांदनी का प्लांट है, इसका खुशबू बहुत ही बढ़िया है, एकदम गंधराज के तरह है। पर कभी कभी व्यूअर्स आप कंफ्यूज हो जाते हो, कोई गार्डनर को मैंने देखा है कि इस फ्लावर प्लांट के साथ जो गार्डनियर है तो उनके साथ एकदम सेम सोचते हैं। तो दो अलग अलग प्लांट है फ्रेंड्स, ये डबल चांदनी का है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो गंधराज का प्लांट होता है वो किस तरह होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं गंधराज का फ्लावर प्लांट। ये भी समर का बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार प्लांट है और इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत बढ़िया है। तो आप एक बार अच्छा से देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है आपका गंधराज। फूल तो आप देखे होंगे, बहुत ही बिग साइज का होता है डबल चांदनी के तौर पे। और जो डबल चांदनी है वो बहुत ही छोटा छोटा फूल आता है, पर उसका खुशबू भी बहुत बढ़िया है, एकदम गंधराज के तरह है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी तो सुबह का टाइम है 10 बजे और धूप कितना तेज हो रहा है, इसी धूप में आपको रखना है डबल चांदनी। डबल चांदनी का प्लांट फ्रेंड्स सन लविंग होता है, कितना ही धूप तेज होता है ये सहन लेता है। पर आप जरा सा भी शेड में इसको रखेंगे तो इसमें बर्ड्स नहीं बनेगा, फूल भी नहीं खिलेगा। तो डबल चांदनी में फूल खिलाने के लिए पहला रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स अच्छा सनलाइट। और आप देख ही रहे हो किस तरीके से बर्ड्स बन रहे हैं फ्रेंड्स मेरे प्लांट में। और ये जो मेरा प्लांट देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है देसी वैरायटी। देखिए फ्रेंड्स, इस प्लांट में फ्लावर बर्ड्स जब निकलते हैं, एक स्टिक निकलते हैं, उसके बाद जो बर्ड्स बनते हैं गुच्छे में आते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए इसका बर्ड्स बनाने का। और अभी तक मेरे पास ये प्लांट फ्रेंड 2 साल हो चुका है, मैंने इसमें कोई कटिंग नहीं किया और कटिंग करने का ज़रूरत ही नहीं है। और गमला देखिए, मैंने यहाँ पे 12 इंच गमले में लगाई। तो आपको भी मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लांट का साइज के अनुसार आपको पॉट सिलेक्शन करना है। इस प्लांट को जब भी आपको लगाना है फ्रेंड्स, थोड़ा 10 इंच गमले से ही आप शुरू करिए, क्योंकि ये पूरा साल खिलते रहते हैं। मेरे पास तो विंटर यानी सर्दी में भी ये फ्लावर प्लांट बहुत सारा फ्लावर खिलाया था। पर सर्दी में फूल लेने के लिए आपको अच्छा से सनलाइट में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और वाटरिंग का बात करूं फ्रेंड्स, तो इस प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा वाटर का ज़रूरत होता है। इस प्लांट का मिट्टी मॉइस्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, मिट्टी मॉइस्ट नहीं होगा तो जो बर्ड्स निकल के आ रहे फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी ये सूख जाता है।
और जो ये बर्ड्स जो निकल रहे हैं फ्रेंड्स, बर्ड जो स्टिक्स निकल रहे हैं, देखिए ये छोटा छोटा, जैसे एक बर्ड्स का फूल खिलना ख़त्म हो जाएगा तो उसी जगह से दोनों साइड से छोटा छोटा ब्रांच निकलते रहते हैं और छोटा छोटा ग्रोथ इसका, बर्ड ग्रोथ इसका शुरू हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि इस प्लांट को कटिंग करूँ तभी इसमें अच्छा फूल खिलेगा, कटिंग प्रूनिंग नहीं करूँ तो ये प्लांट ग्रोथ में नहीं आएगा तो बर्ड्स नहीं बनेगा, तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। इस प्लांट के लिए आप कटिंग नहीं करेंगे तो ये बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही घना होते जाएगा और बहुत ही हर ब्रांच में, देखिए फ्रेंड्स छोटा छोटा ब्रांच में इसका फूल खिलना चालू हो जाता है। डबल चांदनी का फ्लावर फ्रेंड्स बहुत ही शुभ होता है, पूजा के लिए भी ये काम आता है और सुबह से रात तक आपका गार्डन में खुशबू ही खुशबू रहता है। डबल चांदनी का प्लांट फ्रेंड्स एक परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, इसको समर फ्लावर प्लांट बोला जाता है फ्रेंड्स, पर मेरे यहाँ पे मैंने जैसे विंटर में इसको धूप में रखी थी तो विंटर में भी ये फूल मेरे को दिया था, पर इसमें सनलाइट और पानी का बहुत ही ध्यान आपको रखना है, अच्छा सनलाइट आपको देना है और इसलिए आपको पानी भी अच्छा तरीके से इसमें देना है। बहुत ही जल्दी जल्दी इसको मिट्टी सूख जाता है फ्रेंड्स, तो मिट्टी सूखना नहीं चाहिए इस प्लांट के लिए। फर्टिलाइज़र का बात करूं तो फ्रेंड्स इस प्लांट के लिए आप ज़रा सा भी केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आप देते रहना। मंथ में मैं क्या करती हूँ, मंथ में एक बार जैसे हर कोई प्लांट में मैं देती हूँ सॉलिड फर्टिलाइज़र, मैं गोबर का खाद देती हूँ, कभी वर्मी कंपोस्ट, कभी किचन कंपोस्ट, जैसे मेरे पास अवेलेबल है ऐसे मैं हर मंथ देती हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा फंगीसाइड भी मैं देती हूँ, और मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स हर हफ्ता लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइजर भी कौन से देती हूँ फ्रेंड्स, जो आपके साथ मैं शेयर करते रहती हूँ फ्रेंड्स, ऐसे कोई खास नहीं है, कभी बनाना का छिलका का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, कभी चावल धो रही उस टाइम जो पानी निकलते हैं वो वाला फर्टिलाइज़र दिया, कभी जो मार निकलते हैं राइस वाटर बोलते हैं उसको, वो फर्टिलाइज़र दे दिया, तो ऐसे ही कभी कभी ऑनियन फर्टिलाइज़र भी दे देती हूँ फ्रेंड्स, तो ऐसे कोई खास नहीं है। मैंने देखा है खास करके इस प्लांट में आप किचन कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र देंगे, किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र देंगे तो ये प्लांट बहुत ही खुश होता है फ्रेंड्स। किस तरीके से बर्ड्स बने हैं आप देख ही रहे हो फ्रेंड्स, तो आप कभी कभी आपका शिकायत रहता है कि डबल चांदनी प्लांट में बर्ड्स नहीं बनता है, फूल नहीं खिलता है, तो आप आज के बाद आप ये शिकायत मत करिए, आप इसको मिट्टी को जब बनाएंगे फ्रेंड्स अच्छा से कंपोस्ट डाल के इसको मिट्टी को बनाना फ्रेंड्स, और इस प्लांट को धूप में रखना और पानी का भी आप ध्यान रखना, मिट्टी इसका सूखना नहीं चाहिए, और हर हफ्ता आप लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें देते ही रहिए। और इस प्लांट का प्रोपागेशन यानी एक प्लांट से किस तरीके से ज़्यादा नया नया प्लांट बना सकते हो उसका बात करूँ तो स्टेम कटिंग से फ्रेंड्स इजीली इस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हो, पर इसका जो टाइमिंग होगा है फ्रेंड्स बरसात का टाइम, नहीं तो जब विंटर आ रहे प्री विंटर के टाइम, नहीं तो फेब्रुअरी के एंड पे आप इस प्लांट का कटिंग आप लगा सकते हो, तो कटिंग सक्सेस होने का रेट बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। डिजीज़ यानी बीमारी का बात करूँ तो फ्रेंड्स इस प्लांट में कोई बीमारी लगता ही नहीं है, ना इसमें कोई इंसेक्ट अटैक होता है, ना कोई इसमें पेस्ट अटैक होता है। सब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, हर मंथ फंगस को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि फंगस ऐसे एक चीज़ है फ्रेंड्स जो कोई भी प्लांट को छोड़ता नहीं, प्लांट में ज़्यादा पानी हो जाए, प्लांट का मिट्टी में आप जब खाद डाल रहे हो उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाए तो इस प्लांट को कभी कभी फंगस अटैक होता है फ्रेंड्स, तो आप हर मंथ में जब भी इसमें खाद वगैरह ऐड करेंगे तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर आप मिट्टी में मिला देना, हल्दी पाउडर बहुत बढ़िया रहता है फ्रेंड्स, ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और एंटीसेप्टिक का भी काम करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस समर गार्डन में आप ज़रूर, आपका गार्डन में डबल चांदनी का प्लांट होना ही चाहिए फ्रेंड्स, इस प्लांट के लिए कोई आपको तामझाम नहीं करना पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस प्लांट को ग्रो करिए, एक प्लांट से आप नया नया प्लांट बनाइए फ्रेंड्स।
और इसका जो लीव्स होता है बहुत ही ग्रीन लीव्स होता है, और इसके साथ जब वाइट कलर का फूल खिलता रहता है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और फूल खिलने के साथ साथ जो इसका खुशबू है, इसका जो फ्रेग्रेंस है, वो तो आपको अब अच्छा लगेगा ही लगेगा। और फूल जो होता है फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल वाइट कलर और बीच में एक छोटा सा येलो कलर का डॉट रहता है। तो खूबसूरत फ्लावर के साथ साथ इसमें जो बहुत बढ़िया खुशबू रहता है, तो आप आपका घर के अंदर एक थोड़ा सा पानी डाल के फ्रेंड्स उसके ऊपर इस फ्लावर को बिछा के रखेंगे तो आपका घर पे भी बहुत ही खुशबू ये फैलेगा। तो आपका घर के अंदर फ्रेंड्स आप पूजा रूम पे रखेंगे तभी भी ये फ्लावर बिल्कुल रिफ्रेशिंग एक एटमोसफियर क्रिएट करेगा। और फ्रेंड्स हर साल इस प्लांट का जो गमले है इसको रिपोर्टिंग करने का ज़रूरत नहीं है। जब गमले में बहुत ही ज़्यादा रूट बाउंड हो जाए आपको पता ही चलेगा फ्रेंड्स। जैसे रूट बाउंड गमला कैसे पता चलते हैं, जैसे आप प्लांट में पानी डालेंगे बहुत ही जल्दी जल्दी मिट्टी सूख जाता है। मतलब एक दिन में आपको 3-4 बार पानी डालना पड़ता है तब आप जान लीजिए कि आपका गमला में ये प्लांट जो लगा हुआ है इसका रूट बाउंड हो चुका है। तभी आप गमला को चेंज करिए, अदरवाइज मत चेंज करना आप। तो फ्रेंड्स डबल चांदनी के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, इसका जो जो रिक्वायरमेंट है सब आपको बता दिया। तभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप ज़रूर मेरे को कमेंट कर सकते हो। आज का जानकारी डबल चांदनी परमानेंट प्लांट के बारे में आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। मेरे चैनल पे नया आए हो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो और भी अच्छा अच्छा वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए, तो व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स आज यहाँ तक ही है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय।